हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज इन सारी सब्जियों के साथ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज घर में डिमांड आई थी कि कुछ चाइनीज़ खाना है और कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल में खाना है, तो इसलिए आज मैं बनाने जा रही थी फ्राइड राइस और चिली पनीर। तो इसमें सब्जियाँ बहुत सारी लगती हैं और स्पेशली अदरक लहसुन सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको साफ़ कर लिया था, और उसको बिल्कुल इस तरह से बारीक काट के तैयार कर लेंगे। लहसुन को भी बारीक काटना, लेकिन बहुत सारे हैं इसलिए मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के का सा चॉप कर लूँगी। आपके पास चॉपर है तो चॉपर से इसको दरदरा कर ले, बहुत बारीक, और पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल इस तरह से। तो ये देखिए, शॉर्टकट में हमने इस लहसुन को चॉप कर लिया है और ये सब्जियों को भी काट के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मिर्ची काट लेते हैं। मिर्ची को लंबे टुकड़े में मैंने इस तरह से काट लिया है। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची तैयार है हमारी कट के। अब इसमें हरे प्याज का भी यूज होता है, तो हरे प्याज को जो सफ़ेद वाला पार्ट है उसको अलग काटेंगे और जो हरा वाला पार्ट है उसको अलग काटेंगे, और दोनों को यूज भी हम अलग अलग टाइम पर करेंगे इस रेसिपी में। तो ये देखिए, ये दोनों भी कट के तैयार हो गए हैं। अब बारी आ गई है सब्जियों की। तो इसमें मैंने लाल, पीले और हरे सारे शिमला मिर्च लिए हैं। आपके पास सिर्फ हरे वाले हो तो उससे भी बना सकते हैं, और प्याज से। ज़रूरी नहीं है कि सारे कलर के शिमला मिर्च इसमें चाहिए ही चाहिए। तो मैंने सबसे पहले चिली पनीर के लिए थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, थोड़े स्क्वायर शेप में, और प्याज को भी ऐसे 4 टुकड़ों में काट के उसके अलग अलग परत को निकाल के रख लिया है। और अब बारी आ गई है फ्राइड राइस के लिए। तो इसमें गाजर को बिल्कुल बारीक काट लेंगे, और इसमें साथ ही शिमला मिर्च को थोड़ा बारीक ले लिया है काट के, और थोड़ा प्याज को बारीक काट के ले लिया है। अब एक कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे हम लगभग 2 से 3 चम्मच तेल, और अच्छे से कढ़ाई में फैला लेंगे ताकि हमारी सब्जियां इसमें चिपके नहीं। और सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, फिर हरी मिर्ची डालेंगे। इनको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जब हल्का से ये गुलाबी आ जाए, बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करेंगे, उस स्टेज पे हम डाल देंगे अपने हरे वाले प्याज, मतलब वाइट पार्ट जो था ना हरे प्याज का, वो डालेंगे, और थोड़ा सा नॉर्मल वाला प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। उसको भूनने के बाद हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ गाजर, साथ ही डाल देंगे यहाँ पर हरा मटर। और इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि चाइनीज़ फूड में सब्जियां जो है वो क्रंची रहती है, यानी कि पूरी की पूरी पकी हुई नहीं रहती है। तो बस 2-3 मिनट के लिए सब्जियों को हम पका लेंगे, और इसमें हम डालेंगे अपने उबले हुए चावल। तो चाइनीज़ फूड में या फिर फ्राइड राइस में हमेशा ठंडे चावल का यूज करें। यदि गर्म चावल रहेगा ना तो ये चिपचिपा सा हो जाता है, और यदि लेफ्ट ओवर राइस है, यानी कि बचा हुआ है राइस है रात का या फिर दिन का, तो उससे तो और भी ये अच्छा बनता है। फिर यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ले लेना है, और चावल को हम यहाँ पर 2 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ये सारा प्रोसेस मीडियम टू हाई फ्लेम पर करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हमने सोया सॉस डाला है, विनेगर डाला है, चिली सॉस डाला है, और इसको मिक्स करेंगे। तो आप इसमें अपने पसंद के सॉसेस डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए कलर बहुत ही सुंदर आ गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे अपने बारीक कटे हुए शिमला मिर्च। तो मैंने 3 कलर के शिमला मिर्च मेरे पास अवेलेबल थे, तो बारीक बारीक बिल्कुल काट लिया ताकि ये फ्राइड राइस बिल्कुल कलरफुल दिखे। और ये देखिए, ये हमारा फ्राइड राइस ऑलमोस्ट रेडी है, और हाई फ्लेम पे एक बार इसको टॉस कर लेंगे, और ये बहुत ही गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ फ्राइड राइस रेडी हो रहा था। सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक काट के पनीर को, मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और लास्ट में डालेंगे हरा प्याज। बस इसमें और कुछ की ज़रूरत नहीं है। जो पनीर है वो भी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन काफ़ी टेस्टी लगती है। और चिली पनीर की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका अगला रेसिपी चिली पनीर होगा। इस रेसिपी में आज के वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ये देखिए, हमारा फ्राइड राइस गर्मा गर्म रेडी है। इसे आप मंचूरियन के साथ या फिर चिली पनीर के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज तो हमने बनाया है चिली पनीर इसके साथ, तो इसके साथ पहले सर्व करते हैं। लेकिन फ्राइड राइस बिना पनीर के या फिर बिना मंचूरियन के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यदि आपको शॉर्टकट में कुछ तुरंत से अच्छा खाने का मन हो रहा है तो इसे आप बना सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा गर्मा गर्म चिली पनीर भी तैयार है, और चिली पनीर की रेसिपी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो और किसे किसे चाहिए इसकी रेसिपी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। और ये लीजिए, आज का हमारा चाइनीज़ प्लेट तैयार है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।